कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ लक्ष्मी विलास पैलेस, जो कि गुजरात के बड़ोदरा के अंदर बहुत ही बड़ा एक महल बना हुआ है। इस महल के अंदर आज हम आए हैं और आपको इस महल का टूर इस ब्लॉग के माध्यम से करवाने वाले हैं। बहुत ही बड़ा और विशाल ये बड़ोदरा का एकमात्र टूरिस्ट पैलेस है। सामने जो आप देख रहे हैं, वहाँ से टिकट लेंगे और फिर करेंगे अंदर एंटर। शानदार महल के टूरिस्ट के लिए पर पर्सन चार्ज 225 रुपये इंडियन टूरिस्ट के लिए है और फॉरेन से आने वाले टूरिस्ट के लिए 525 रुपये चार्ज रखा गया है। दोस्तों, ये पूरा पैलेस है वो तो यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आगे बड़े बड़े पेड़ होने की वजह से आगे का पूरा दृश्य यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है। और ये है बाहर का दृश्य, देखिए दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल हवेली ये बनाई गई है। तो दोस्तों, लक्ष्मी विलास पैलेस के थोड़े इतिहास के बारे में चर्चा करें तो आपको बता दें, इस महल का निर्माण शाहजीराव गायकवाड़ द्वारा सन 1890 के अंदर करवाया गया था। दोस्तों, बताया जाता है कि इस महल का निर्माण करने में समय लगा था वो 12 साल। टोटल इस महल का निर्माण में समय लग गया था। दोस्तों, द ग्रेट ग्रांड मस्ती फिल्म के अंदर इस शानदार महल को कॉलेज बनाया गया था और आप जो ये सीन देख रहे हो, यहाँ से कुछ फुटेज मूवी में लिए गए थे। तो गाइज, लक्ष्मी विलास पैलेस के आगे ये गार्डन है और गार्डन से पहले ये पार्किंग है। पार्किंग के अंदर गाड़ियाँ खड़ी है। दोस्तों, मेरे साथ है बाबूलाल जी, कैसे वो हो भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। इनका भी एक चैनल है यूट्यूब पे जिसका नाम है बाबूलाल सैनी। अभी भी ब्लॉगिंग शुरू किए हैं, बहुत अच्छे से ब्लॉग बनाते हैं। तो दोस्तों, अंदर घूमे लेकिन अंदर वीडियो शूट नहीं करने दिया। अंदर का व्यू आपको इस ब्लॉग के अंदर नहीं दिखा पाए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। पता नहीं ये किस चीज़ की प्रतिमा, साथ में शेर है ये और साथ में एक शख्स है, पता नहीं ये कौन सी। तो दोस्तों, अंदर कैमरा अलाउ नहीं होने की वजह से हम अंदर की सीन तो नहीं दिखा पाए। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना और कमेंट करके हमें बताना कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपके साथ नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद।